आमो सरकार लोकंक सरकार लोकंक कल्याण पई ए सरकार काम करिवो आमे ओडिया अस्मिता बजाय रखिबो स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठनर 100 वर्ष पूर्ति 2036 मसिया सुद्धा ओडिसा को देशर श्रेष्ठ विकसित और समृद्ध राज्य रूपे गढ़ि तोलिबा आमर लक्ष्य बोली घोषणा करछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य बीजेपी सरकार 100 दिन पूर्ति अवसर में श्रद्धावाली आयोजित विशाल जनसभा उद्बोधन दे मुख्यमंत्री पूर्व सरकार कार्यधारा और भोट राजनीति को कड़ा समालोचना करने सरकार 100 दिन सफलता विषय बरणी प्रदान करते बीजेपी पक्षर् आयोजित समावेश दुई उपमुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल सदस्य वृंद दलय सांसद और विधायक मान मंच आसीन उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा पुरीर सांसद डाक्टर संबित पात्र पूर्त आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र प्रदीप प्रज्वलन पूर्वक समावेश को उद्घाटन करते समावेश मुख्य अतिथि रूपे जोगदे मुख्यमंत्री कहते जाति महाप्रभु आशीर्वाद बिना निश्व आशीर्वाद ही आमर गर्व और कर्म प्रवणतार कारण महाप्रभु ओडिशावासी उत्साह और प्रेरणार उत्स गणतंत्र में सरकार प्रजाकर और प्रजाई लोकमत और लोकस्वार्थ सबुठ ऊर्धरे राज्य में दीर्घ 24 वर्षर अहंकारी और जन विरोधी सरकार पतन घटी यह संभव होवल लोकों पर लोकों अवहेला कले से ग्रहण करे ना बोली निर्वाचन फलर प्रमाणित हो मुख्यमंत्री कहले जे पूर्व सरकार भोट राजनीति पर महाप्रभु को व्यवहार करते नीच कार्य आउ कौन थे बोली प्रश्न करने कहले लोकों दे प्रतिश्रुति पूरण करने सरकार विश्वसनीयता निर्भर कै मिथ्या प्रचार और मिथ्या परिसंख्यान लोक समस्या समाधान नुहे आम सरकार कौन घर संस्थार प्रमाण पत्र लोड़े ना आम कम लोक मैंने ही विचार करेंगे निर्वाचन प्रतिश्रुति पूरण संपर्क में उल्लेख कर श्री माझी कहते श्रीमंदिर चारिद्वार खोल रत्नभंडार खोली महाप्रभु रत्न सुरक्षा करने आम प्रथम पदक्षेप अस्मिता भाषा और स्वाभिमान दृष्टि ओडिशा अवहेलित होता 2024 निर्वाचन में लोक मैंने विरोध में मत प्रदान करमिता भवन निर्माण सह ओडिया अनुवाद एकाडेमी प्रतिष्ठा कर श्रीमंदिर उन्नति 500 कोटी टंकार स्थायी पांठि व्यवस्था हो कृषकों कल्याण पर धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य वृद्धि करीों पर बजेट 5000 कोटी टंका व्यवस्था करी आमे एहा को कार्यकारी करिछु चासी माने 45 घंटा मध्यरे सेमानक उत्पादित सामग्री रो बिक्री मूल्य पाई परिबे महिलांक सशक्तिकरण पाई सुभद्रा योजना आरंभ करा जायछि एहा द्वारा राज्यर 1 कोटी महिला उपकृत हेबे स्वास्थ्य सेवार विकास पाई सरकारक प्रथम बजेट रे 32% अर्थर व्यय बराद करा जायछि गोपबंधु जन आरोग्य योजना सहित स्वास्थ्य सेवार भित्तिभूमि को अधिक विकसित करा जिवो एवं खूब शीघ्र आयुष्मान भारत योजना लागू हेबो एहा द्वारा लोक माने राज्य और राज्य बाहर 27,000 हॉस्पिटल उन्नत चिकित्सा सेवार सुविधा पाई प्रत्येक जिले में गोटे लेखाएं मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा सहित डाक्टर और पारा मेडिकल कर्मचारी पदवी पूरण करा शिक्षा क्षेत्र में व्यापक विकास साधन करा बोली प्रकाश करी मुख्यमंत्री कहते प्रति पंचायत गोदावरीश मिश्र प्राथमिक आदर्श विद्यालय प्रतिष्ठा करा छात्र छात्री मान को 5000 टंका सहायता राशि प्रदान करा ग्रामीण भित्तिभूमि विकास पाई आम गाँ आम विकास योजना 1000 कोटी टंका व्यय बराद कर उभय सहर और ग्रामांचल प्रधानमंत्री आवास योजना अधिक गृह जोगाई दिया श्रमिक वयस्क और दिव्यांगों पर भत्तार व्यवस्था करशापी 1000 कोटी टंका सड़क प्रकल्प मंजूर होगी प्रकाश करने मुख्यमंत्री कहते रेलपथ सड़क पथ आकाशपथ और बंदर विकास मध्यम राज्यर प्रगति क्षेत्र में एक सुवर्ण युग आरंभ करने को आम प्रतिश्रुतिबद्ध ओडिशा रे 6टी रेल प्रकल्प और 4टी नुआ राजपथ प्रकल्प निर्मित हेबो बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करथिले से कहले दुर्नीति विरोध में सरकार संग्राम जारी रखिबे विगत 100 दिन में आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग 71टी मामला रुजू करा संगे संगे 58 जन दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी गिरफ करा जाई जेल पठा जाई बोली मुख्यमंत्री प्रकाश करथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग सांसद संबित पात्र शिल्प दक्षता विकास मंत्री संपद चंद्र स्वाई समावेश उद्बोधन दे कहते सरकार द्वारा 2,65,000 कोटी टंकार बजेट कर शिल्प विकास 45,000 कोटी टंका निवेश 23,000 युवक युवती चाकरी पाइबे दीनदयाल आवासिक गृह निर्माण
ରାଜ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ମଲ୍ଟି ମଡେଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉଷାରାଣୀ ବେହେରା ଓ ଆରତୀ ଦାସଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାରେ ବାସନ୍ତୀ ସେନାପତିଙ୍କୁ, ସହାୟତା ପିଏମ୍ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସଂଯୁକ୍ତା ପରିଡ଼ା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଇଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। क्षेत्रमणि वार्ड नंबर 25 राशि मिली प्रथम पर्यायर उषाराणी बेहरा आउ जड़े जोधुबाबू पेंशन योजन विधवा भत्ता परिणाम कर ग्राम पंचायत मालती पाटपुर। मुख्यमंत्री यही समारोह रे 100 दिन रे सफलतार वार्ता शीर्षक सूचना पुस्तिका उन्मोचन करथिले। मुख्यमंत्री को विराट फूलमा प्रदान पूर्वक भव्य स्वागत करा जायथिला। मोन चरण माझी को अशेष धन्यवाद दउछि। आज पुरी रे पहुंची आम पाखे ए 100 दिन रो वक्तव्य वार्ता रखिथिबारु धन्यवाद दउछि। पूर्वतन विधायक जयंत कुमार षडंगी और मधुसूदन सिंहारी श्रीजी को फोटो चित्र प्रदान करथिले। अंगवस्त्र रे स्वागत करिसेंती माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी भी विजुअल को प्ले करबा पई। ସମାବେଶରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ସମବାୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ, ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଓ ଦଳ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ବିଜୟ କୁମାର ସିଂହ ତୋମାର, ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ମଞ୍ଚ ଆସୀନ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷିତ ହେବା ସହ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ନୀଳାଚଳ ଅର୍ବାନ ହାଟରେ ଆୟୋଜିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ବିକାଶ ମେଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ବିଗତ 100 ଦିନ ହେଲା, ଆଜି 100 ଦିନ ପୁରିଲା। ଏ 100 ଦିନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଆମର ଶରଦା ବାଲିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ 100 ଦିନିଆ ପାଳନର ପର୍ବ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆଜି
आम महाप्रभु श्री जगन्नाथ को आज दर्शन कलु। प्रभु को आशीर्वाद रे प्रभु आमको पांच वर्ष ओडिशा शासन दायित्व एवं विगत शहे दिन रे प्रभु को आशीर्वाद रे अनेक कार्य संपादन एवं लोकंर आस्था भाजन हो पारु लोक मैंने आमको आशीर्वाद एवं लोक मैंने किभर भाव में न्याय पाइबे ओडिशा केमिति विकास हबो एवं आगामी पांच वर्ष नुआ ओडिशा गठन करिबार एवं समृद्ध ओडिशा गठन करिबार जो विकास रास्ता बाहरी आगेब से महाप्रभु निकट में प्रार्थना करिछु। महाप्रभु निश्चित भाव आमको आशीर्वाद करिछन्ति एवं आगामी दिन में ओडिशार विकास भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ हबो। स्पष्ट भाव निर्वाचन पूर्व आम दल शीर्ष नेतृत्व से घोषणा पत्र पॉलिटिकल मैनिफेस्टो आम संकल्प पत्र आम लिपिबद्ध कर लोक जाइल से स्पष्ट अच्छी ये पांच वर्षर ये मैनिफेस्टो समय अनुसार आवश्यकता अनुसार ओडिशार विकास क्षेत्र में समस्त योजना गुड़िक घोषणा हबो एवं घोषणा मध्य चली तेणु व्यस्त होबार नहीं प्रभु को आशीर्वाद रे समस्त काम यथारीति अनुसार एवं विधानसभा रे एवं सरकार कैबिनेट रे सरकार नीति स्पष्ट भाव में समय अनुसार हेबो सेतिपाई निश्चित भाव में सरकार सजग अच्छा लोकंर काम करने सब सरकार हेल्थ सेक्टर रे स्वास्थ्य क्षेत्र बड़ वैप्लविक परिवर्तन ओडिशा रे हेबाकु जाउछि एवं आज माननीय मुख्यमंत्री भी जो कथा अभिभाषण रखिले खूब शीघ्र आम आयुष्मान भारत योजना और गोपबंधु आरोग्य योजना आम ओडिशा रे लागू करने कार्यक्रम मध्यम आम पाखापाखि गोटे कोटी फैमिली मैं पाखापाखि 3.5 करोड़ लोक इंडिविजुअली उपकृत हे निश्चित भाव प्रोग्राम हम एवं सबुथुरु बड़ योजना ये सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन अवसर सेवा सप्ताह अवसर में आम लोकार्पण कर सारी सुभद्रा योजना और सुभद्रा योजन आज जो माँ मान खाता को 5000 लेखा राखी पूर्णिमा दिन किस्ति ट्रांसफर होता आम आज डेमो चेक दे तो निश्चित भाव ये सरकार लोकंर सरकार आम जहाँ करूँ लोकों पर उत्तरदायी एवं लोकों पाखे आम रिपोर्ट कार्ड।